हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 13.1 को आगे बढ़ाएंगे और उसके मैंने 5 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे और अब हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे आज ये खत्म कर दें, लेकिन पॉसिबल थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि हमें इसके और भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था और आज मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूं आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके पास भाई एक कैप्सूल है, ठीक है बच्चों? ये आपके पास एक कैप्सूल है और कैप्सूल के दोनों तरफ हेमीस्फेयर लगा हुआ है। कैप्सूल के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? हेमीस्फेयर। ये हेमीस्फेयर हो गया जी, ठीक। अब इसका जो विड्थ है यानी इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है और पूरा कैप्सूल जो है वो 14 mm का है। तो भाई आपको पता है जब डायमीटर 5 का है तो भाई रेडियस 5/2 mm होगा और जितनी रेडियस उतनी हाइट, 5/2, 5/2। तो भाई जब 5/2 ये, 5/2 ये, तो टोटल तो 5 हो गया ना, तो बीच में कितना बचा? भाई 14 में से 5 माइनस करोगे 9 mm। तो बस यही सारी बातें लिखनी है। तो क्या है भाई, देखो सबसे पहले डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm, कैप्सूल का व्यास 5 mm, रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 mm, कैप्सूल की त्रिज्या, ठीक है? नाउ, हाँ जी, नाउ अब क्या है? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल तो कितना है भाई? 14 - 5 = 9 mm, ठीक है? कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है ना? अब क्या भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, लेकिन मल्टीप्लाई में लगाएंगे 2, मल्टीप्लाई में लगाएंगे 2। क्यों लगाएंगे मल्टीप्लाई में 2 भाई? क्योंकि देखो ना आप, जब मल्टीप्लाई में 2 इसलिए लगाऊंगा क्योंकि एक हेमिस्फेयर और ये दूसरा हेमिस्फेयर, इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 2 लगेगा। हिंदी वाले लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्रभुज क्षेत्रफल प्लस 2 × अर्धगोले का वक्रभुज क्षेत्रफल, तो ये आ गया 2 πr h प्लस 2 × 2 πr² कॉमन ले लो, 2 πr कॉमन आ गया, h बचा, 2 πr कॉमन आ गया, 2 और r बचा, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 5/2, h की वैल्यू कितनी है 9 और 2 × में r की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22/7 × 5, 9 और 5 = 14 कट गया 2, आंसर आ गया 22 × 5 × 2 = 10, 220 mm². ये है भाई, ठीक है? नोट करो, नोट कर लो इसको। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेंगे बच्चों, ठीक है, इसी में बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो सेम है क्वेश्चन नंबर 9। जो सिलेंडर इसके ऊपर था, अब की बार ऊपर नहीं अंदर की तरफ है,
ऊपर ना होके किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। बाकी सेम यही फॉर्मूला दोबारा आपको लगाना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। तो ये आपको 9th क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो भाई हेमीस्फेयर चाहे अंदर से काट लो चाहे ऊपर से हो, बात सेम होती है, इसको नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। चलिए देखिए जरा, तो 7th क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि भाई एक टेंट बनाना है, ठीक है। एक टेंट बनाना है जो ऊपर से कॉनिकल पार्ट में है, ठीक है, और नीचे से सिलेंड्रिकल पार्ट में। ये टेंट है, ये क्या है, टेंट, ठीक है, जिसका डायामीटर 4 मीटर है। डायामीटर कितना है, 4 मीटर, ठीक है, और रेडियस है 2 मीटर। तो भाई सीधी बात है, अब कह रहा है इस कॉनिकल पार्ट वाले की हाइट जो है वो 2.1 मीटर है, जबकि इसकी 2.8 मीटर है स्लांट हाइट की, ठीक है। तो कह रहा बताइए इसमें कितना कपड़ा लग जाएगा, कितना कैनवस लग जाएगा अगर कपड़ा 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। चलो जी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या भाई, कॉनिकल पार्ट, यही लगेगा और कुछ नहीं है। तो ठीक है जी, डायामीटर ऑफ टेंट तो 4 मीटर, टेंट का व्यास, रेडियस ऑफ टेंट तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर, टेंट की त्रिज्या, ठीक है। अगला, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.1 मीटर, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अब स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 2.8 मीटर, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, अगला क्या है नाउ, तो वही क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टेंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। बेलनाकार भाग का वक्रपीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लो जी, 2 πr h प्लस 2 ये πr l, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, 2h + l, 22/7, आर की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2.1, एल की वैल्यू 2.8, तो 22/7 गुने में 2, 4.2, 2.8, 22/7 गुने में 2, और ये हो जाएगा कितना, 4 2 और ये 7, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपीज़, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 गुने में 500 बराबर 22,000 रुपये, तो ये आएगा आंसर बच्चों, 44 मीटर स्क्वायर का मूल्य, ठीक है, करो, नोट करो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भाई, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, भाई सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब ऊपर और नीचे हर जगह से भाई ढका हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है, ओपन एरिया नहीं है, ओपन खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी हाइट है 2.4, इस पूरे की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, और डायामीटर बता रहा है, वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इसमें से एक कोण काट लिया जाए, कह रहा है कि अगर इसमें से एक कोण कट कर लिया जाए तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, लो जी इसमें से एक कोण कट करके निकाल लिया, तो अब मैं किस किस हिस्से को टच कर सकता हूं, एक इसके आउटर सिलेंड्रिकल को, एक इसके कर्व किसको, कोनिकल को, और एक ऊपर वाला सर्कल, क्यों नीचे वाला सर्कल क्यों नहीं कट कर सकता, क्यों नहीं छू सकता, क्योंकि काट करके निकाल लिया है। तो फिर से समझेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट, अंदर से कोनिकल पार्ट, और ऊपर से बेस, ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहले हाइट ऑफ सॉलिड, हाइट ऑफ सॉलिड 2.4 सेंटीमीटर, ठोस की ऊंचाई, ठीक है, डायमीटर ऑफ सॉलिड, वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर, ठोस का व्यास, ठीक है, रेडियस ऑफ सॉलिड तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठोस की त्रिज्या, ठीक है। चलो नाउ, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो कितना भाई, हाँ भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे ठोस का कुल, ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है जी,
और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो मतलब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एरिया ऑफ सर्कल, एक काम करना, यहाँ की चीज़ यहाँ लिखवा रहा हूँ ठीक है, बाकी इसका तो होता ही पाई आर स्क्वायर है। पहले यहाँ पर भाई हमने स्लांट हाइट तो निकाली ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्लांट हाइट इज एल, माना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो एल। नाउ तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच है 2.4 का स्क्वायर, आर है 0.7 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 5.76, ये आएगा 0.49, ऐड करेंगे 6.25, बाहर निकालेंगे 2.5 एल, इतने सेंटीमीटर एल आ गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन, ये यहाँ करना है, इसके बाद यहाँ करना है। तो क्या आएगा भाई, पाई आर कॉमन आ गया अंदर 2h, एल और आर, तो पाई है 22/7, आर है 0.7, एच है 2.4, एल है 2.5 और आर है 0.7। अब यहाँ करना, तो भाई 7 से 0.7 कटेगा 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2, 24 से 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो कितना आ गया 2.2 मल्टीप्लाई 8 और 7 और 15 5 20, 0.4 और 2 6 ठीक है, और 2 8, तो यानी कि 7.17 मल्टीप्लाई करोगे ना 8 से, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों देखो ये आंसर अगर आप लिखाओगे ना तो गलत हो जाएगा, अब कहोगे क्यों सर सब कुछ तो मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ सही किए हैं, तो वहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नियरेस्ट वैल्यू बताओ, तो बताओ ना 17.6 किसके नियरेस्ट है, तो 18 के, तो आंसर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट, ठीक है नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसे, फिर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आज की क्लास खत्म। चलिए बच्चों अगला है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि मयंक है जो बर्ड बाथ के लिए उसने गार्डन में एक हेमिस्फेरिकल
डिप्रेशन एट वन एंड एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच्चों देखो, एक सिलेंड्रिकल उसने मयंक ने एक ऐसे ये टब लिया और उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे बना दिया जिसके अंदर पानी है, ठीक है, और सिलेंडर की जो हाइट है पूरे की वो 1.45 मीटर है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में 145 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्फ के, ठीक है भाई, बात ठीक है, चलो। तो देखो भाई, ये नीचे से खुला हुआ है, सॉलिड नहीं बोला है, ठीक है, ये नीचे से खुला हुआ है, तो ये एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस बात खत्म। तो हाँ जी, ये देखो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है। अगला अगला क्या है, हेमिस्फेयर एंड सिलिंड्रिकल पार्ट, आप लिखो 30 सेंटीमीटर, अर्ध गोले और बेलन की त्रिज्या। नाउ अगला क्या है, बेलन की त्रिज्या ये हो गया, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, हाँ जी, अब क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तो कितना है, 1.5 मीटर, इसका मतलब 1.145 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, तो इतना आ गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ क्या लिखा हुआ आगे, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, पक्षी के नहाने वाले बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको बताइए, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 पाई आर एच, और हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई और आर दोनों कॉमन, एच प्लस आर, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 30, और ये 145 प्लस में 30, हाँ जी, तो कितना हुआ, तो 22 × 44 गुने में 30/7 गुना 145 और 30 कितना होगा, 175, 175 हो जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 3 5, तो 44 30 से होएगा, तो 25 75 60, तो 0 44 5 220, 0 22 और 44 70 कितना हो जाएगा, 280 और 28, 8 0 3, ठीक है, और कितना जाएगा, 22, ठीक है, 0 3 3 3 3 0, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मीटर स्क्वायर चाहिए तो याद रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो बस 10,000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, 3 0 3 0 कटा, 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।
हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग 13.1 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ख़त्म की थी, आज उसी के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। क्योंकि बच्चों याद रखना कि इस चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं, और पेपर में कई बार इसके एग्जाम्पल्स को आते हुए देखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, राशिद नाम का एक लड़का है जिसने लट्टू खरीदा, और लट्टू पे कलर नहीं है। ठीक है, उसने देखा लट्टू पे कोई कलर नहीं है, तो उसने खुद सोच लिया कि अब मैं इसे कलर करूंगा। ठीक है, तो उसका जो टॉप है, टॉप ठीक है, वो हेमिस्फीयर का है, नीचे वाला हिस्सा कॉनिकल है, पूरे लट्टू की लंबाई। अब लो जी, ये रहा लट्टू, कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। ये हो गया लट्टू, ये हो गया लट्टू, ठीक है, ये हो गया लट्टू। पूरे लट्टू की हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर, जिसमें से पूरे का डायामीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा? 3.5/2 सेंटीमीटर, और उतनी ही हाइट होगी। अब ये 3.5/2 होता कितना है? ये होता है 1.75। ये कितना होता भाई? यानी रेडियस जो होगी बच्चों, जो रेडियस होगी वो 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हेमिस्फेयर की हाइट भी 1.57 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हाइट 1.57 सेंटीमीटर होगी, तो जल्दी से देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी बची। फिर कौन की हाइट कितनी बची? अगर ये हाइट 1.75 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट कितनी होगी? तो भाई 5 में से माइनस कर देंगे, तो अगर 5 में से 1.75 माइनस करते हैं, तो 5, 2 और 3, तो यानी ये 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो और हमें इसको पेंट करना है, और भाई पेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सरफेस एरिया कवर करना पड़ता है, यानी कि इस पूरे पे पेंट करना पड़ेगा। तो भाई सरफेस एरिया के लिए तो हमें फिर स्लांट हाइट चाहिए होगी, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो चलो भाई पहले देखते हैं, रेडियस ऑफ टॉय, सॉरी रेडियस नहीं, डायामीटर, डायामीटर ऑफ टॉय तो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने का व्यास तो इतना है। अब रेडियस, रेडियस ऑफ टॉय तो 3.5/2 कैंसिल करोगे, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या, नाउ ठीक है, अब क्या है? हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट तो कितना होगा? 5 - 1.75, जो कि होगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है ना, अब क्या निकालना है? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना है? स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हमें नहीं पता, एल लेट करना पड़ेगा। माना शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है नाउ, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच, एच कितना है? एच है भाई 3.25 का स्क्वायर, और आर, आर कितना है? 1.75 का स्क्वायर। लो भाई अब आ गया इतने बड़े बड़े नंबर, तो जब इतने बड़े नंबर आ जाते हैं तब हो जाती है हमारी हालत खराब, और उसको हमें फिर सही करना होता है। तो 3.25, 3.25 ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर तो मैं करके दिखा सकता हूँ भाई। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तीन वाला कोई अभी मैंने ट्रिक बताया नहीं आप लोगों को, तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है, मैं बस यहाँ पर आपके समय को बचाने के लिए, ठीक है,
मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.25 मल्टीप्लाई 3.25, तो ये आ जाएगा भाई अंडर रूट 10.5625 प्लस 1.75 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.75, ठीक है, 1.75 मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3.60625, और इसके साथ ऐड कर दो, किसके साथ, 10 पॉइंट क्या भाई, 5625, ठीक है, तो ये बन जाएगा 13.625, ठीक, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, ठीक है, थर्टीन पॉइंट सिक्स टू फाइव, तो ये इतना आएगा। अब देखो भाई, अब बात आती है कि भाई ये किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, ये कैसे पता करें, ठीक है, तो भाई इसके लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, देखो ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, 13.625 आपने लिख दिया, अब हमें तो याद नहीं है भाई किसका स्क्वायर रूट है ये, तो आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा है, क्या सीखा है कि भाई इधर से ऐसे पेयर छोड़ने होते हैं हमें, तो भाई पेयर बनाओ ना, पेयर बनाओ, एक काम करो, यहाँ पे लो 0, ठीक है, 2 डेसिमल तक हो गया, पेयर 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 ऐसे पेयर बना दो, ठीक है भाई, ऐसे पेयर बना दो, ठीक, अब ऐसे पेयर बना दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ऐसे पेयर बना दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा अब 13, 13 को चेक करो कि किसके स्क्वायर से छोटा है, तो भाई ये जो है ये 3 के स्क्वायर से, नहीं किसके स्क्वायर से बड़ा है, 3 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 3 आ गया, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9, जितना है 3 ऐड कर दो, 6, ये लेस करेंगे 13 में से 9 गए 4, नीचे उतरेगा 625, अब कितनी बारी में जाएगा, अब ये लगभग लगभग जाएगा मान के चलो 9 बारी में, क्योंकि नहीं 9 बारी में नहीं जाएगा, 7 बारी में, 7 7 9 4 6, हाँ भाई 6 7 42 और 4, 42 और 4 कितने हो गए, 46, तो भाई ये तो इससे ज्यादा हो गया, यानी कि 6 बारी में जाएगा, 6 6.6, तो करो 6 6 जा 36 3 36 और ये 39, तो ये तो ऐड हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये माइनस करो 12 में 6 गए 6 और ये 15 में से 9 गया 6, ठीक है, तो बस ये बच गया, और नीचे उतार दो यहाँ पे 50, हाँ भाई अब कितनी बारी में जाएगा, अब देखो कितनी बारी में जाएगा, तो भाई 72, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7200, यानी कि 9 बारी में जाएगा ये, ठीक है, तो इतना आ गया, तो यानी कि ये 3.69 अप्रोक्स, इतना यहाँ पे लिख देना अप्रोक्स, लगभग इतना आएगा, ये पूरा नहीं है, ठीक है, तो एल इतना आ गया, ठीक, नाउ अब देखो जब एल इतना आ गया, नाउ अब निकालना हमें क्या भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो यह आएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, तो यहां पर करूंगा मैं हेमिस्फेयर 2πr², इसका πr l, पाई और आर कॉमन 2r + l, तो भाई पाई देखता हूँ जरा, 3.14 तो नहीं लेना, नहीं भाई 22/7 ही लेना, 22/7, आर कितना है 1.75, 2 × में 1.75, एल कितना है 3.69, ठीक है, ठीक 3.69, चाहो तो 1 डेसिमल तक भी ले सकते हो, ठीक है ना, अब जैसे 6 डेसिमल, अब जैसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एल बराबर 3
5 से ऊपर है, एक इसको दे दो 3.7, इतने सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 3.7 ले लेना, 3.7, ठीक है। तो क्या भाई, 7 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7.02, 7 दूनी 14, और 3 इसको दिया 5, तो इतनी बारी में कट गया। तो यानी कि 22 गुने में 0.25, तो यानी 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 3.5 हो जाएगा, ठीक है। काटो इसको 11/2, तो 11/2 गुना ऐड कर दो, 5 2 12, और ये 7 है ना, 7 5 12 का 2 रह गया, 1 3 3 6 और 1 7, इससे काटोगे ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, तो 11 × 3.6 मल्टीप्लाई करो, 11 6 66, 11 3 33 और 6 39, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा एप्रोक्स, ठीक है, एप्रोक्स इतना पेंट करना पड़ेगा उसे। चलो करो इसे, जल्दी इसको नोट कर लो, और जो ये स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है उसको भी। चलिए भाई अब देखेंगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, अब कह रहा है कि भाई एक ना ब्लॉक है ठीक है, जो क्यू फॉर्म में है, लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर है, हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है, लेकिन एक समस्या है क्या, कि इसका डायामीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था हमने, कैसे, पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, बस माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, ठीक है। लो जी, तो एज, लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब तो 5 सेंटीमीटर, घन के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, हाँ भाई, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर तो कितना, 4.2 सेंटीमीटर, अर्ध गोले का व्यास, तो रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो 4.2/2 कैंसिल, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया
और ब्लॉक, ठीक है। तो क्या है भाई? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हिंदी वाले क्या कहेंगे? ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² तो 6a² प्लस 2πr 1πr माइनस हो गया πr² तो 6a² यानी कि 5 का स्क्वायर पाई 22/7 आर 2.1 2.1, ठीक है। 6 गुना 25 प्लस 7 से काटेंगे 0.3, 22 गुने में 21 दिया 63, 6.3 150, 22 सेवेंटी 22 दिया 66 का 6 रह गया 6, 22 छक्के 132, 132 और 6 138, तो ये आ जाएगा 6 8 8 2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। करो करो बच्चों। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। पता क्या गड़बड़ हो गई? 21 दिया 63 तो ठीक है, लेकिन पॉइंट भी तो 1 और 2, 2 के बाद लगेगा 63, और ये आएगा 13.86, ठीक है। ये आएगा 163.86, ये आंसर है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, गलती कर दी, क्योंकि 2.1 मल्टीप्लाई में 0.3, ये तो आपका टोटल वो बनेगा ना 0.63 मल्टीप्लाई में करोगे। हाँ जी, तो अब आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके आपका पूरा कंप्लीट 13.1 खत्म हो जाएगा और 13.2 नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ये मिटा देता हूँ पहले, फिर ये कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंदी भी है। लेंदी क्वेश्चन है आज का, सबसे बढ़िया प्यारा बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ भाई, एक वुडन टॉय है, एक लकड़ी का खिलौना है यानी रॉकेट है, ठीक, जो भाई ऊपर से कौन है, नीचे से सिलेंडर है, ठीक है जी। अब कह रहा जैसा फिगर में दिया हुआ है, अच्छा, द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर है, जबकि हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर है। हाँ जी, बेस का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, और जबकि सिलेंड्रिकल बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो कह रहा है कि अगर कॉनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर से पेंट करना हो और सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो कलर से, तो फाइंड द रॉकेट पेंटेड ऑफ ईच ऑफ द कलर। भाई हर कलर का वो करना है। देखो भाई, रॉकेट कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट कुछ ऐसा है, ये हो गया रॉकेट, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर इस रॉकेट का ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सर्कल दिखेगा आपको किसका? रॉकेट का, रॉकेट के कॉनिकल पार्ट का। और ये किसका दिखेगा आपको भाई? सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है 3 मीटर, जबकि
इसका डायमीटर है 5 मीटर, ठीक। तो इसका मतलब इसकी रेडियस होएगी 3/2 और इसकी रेडियस होगी 5/2, ठीक। इसकी हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर और पूरे की हाइट दी हुई है 26 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट बची कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब इस पे पेंट करना है येलो और इस पे पेंट करना है कैसा, ऑरेंज, ठीक है। इस पे कैसे करना है, क्या कह रहा है इसने कि द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है। हाँ जी, और इस पे ऑरेंज करना है, ठीक है जी। चलो तो शुरू करें। सबसे पहले भाई स्लांट हाइट की भी जरूरत है हमें तो इसमें, हमें तो भाई इसमें स्लांट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी ना, एल की, ये निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेंगे। पहले तो फिलहाल डायामीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट तो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंक्वाकार भाग का व्यास, फिर रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट 5/2 सेंटीमीटर, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, अगला हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, अब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट तो 26 - 6 = 20 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग भाग की ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अगला आगे क्या बोलना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, हाँ जी, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 3/2 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। नाउ अब क्या है, कितनी हो गई, बस सारी चीजें हो गई, ठीक है ना, ये भी हो गया सब कुछ। नाउ लेट द नाउ स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबको नाम भी बता दूं मैं, क्या क्या है, डायमीटर तो ये छोड़ दो, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट बड़ा रेडियस है तो इसलिए बड़ा आर, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट छोटा है तो छोटा एच, हाइट ऑफ इसका तो इसकी हाइट ज्यादा है तो बड़ा एच, इसका डायमीटर छोटा है तो भाई क्या, चलो डायमीटर हटाओ, ठीक है। इसकी रेडियस छोटी है तो इसका छोटा आर, ठीक है, एल, तो यानी कि छोटा एच लेकिन आर बड़ा, तो छोटा एच यानी 6 का स्क्वायर, बड़ा आर मतलब कि 5/2, 5/2 मतलब 2.5 का स्क्वायर, 36, और ये 25 का 625 ऐड कर देंगे, 42.25, ठीक है, ऐड कर देंगे 42.25। अब चेक करना है कि 42.25 आता किसमें, ठीक है, तो ये दो दो, हाँ जी, पहले किससे, 42 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो 6 के, 6 तो 36 कट गया, 6.25, तो ये तो 6 ऐड करेंगे, 6 6 12, अब कितनी बारी में, ये तो 5 बारी में जा रहा भाई, तो इसका मतलब 6.5 का ये,
6.5 सेंटीमीटर आ गया एल। नाउ अब क्या करना है, अब सब पे अलग अलग पेंट करना है, सब पे अलग अलग पेंट करना है। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं स्क्वायर रूट की अलग से एक क्लास ले लूंगा और वो करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बेफिक्र रहना। चलिए अब देखिए क्या है भाई, पहले ऑरेंज वाला पार्ट निकालते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट, ऑफ ऑरेंज पेंटेड पार्ट, नारंगी रंग वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ भाई, तो मुझे ये बताओ किस किस पे नारंगी कलर का रंग करना है, सिर्फ कॉनिकल एरिया पे? तो मतलब एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया तो होएगा ही, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये तो होएगा ही, प्लस उसका नीचे बेस भी होगा, बेस ऑफ कोन। लेकिन क्या नहीं हो पाएगा भाई, बेस ऑफ कोन पूरा थोड़ी हो पा रहा है, बेस ऑफ कोन तो सिर्फ इतना हिस्सा है, बेस ऑफ कोन तो सिर्फ इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो हो ही नहीं पा रहा है, बीच वाला। तो बीच वाला किसका एरिया है, सिलेंडर का, तो यानी कि माइनस करेंगे बेस ऑफ सिलेंडर। हिंदी वाले लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का आधार माइनस बेलन का आधार, तो यह आएगा पाई बड़ा आर एल प्लस पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। भाई पाई आर एल, ठीक है, तो पाई है 22/7, आर है आपका इसका 5/2, एल है इसका 6.5, इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 22 भाई आर क्या है 5/2 का स्क्वायर और इसका है 3/2 का स्क्वायर, ठीक। ये इससे कट गया 11, 11 गुना 5, या 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 25, 2 5 30 और 2 32, ठीक है, बटे में 7, प्लस पाई की वैल्यू 22/ फिर से 7, और ये 25/4 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा 11 गुने में, या 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, 11 2 22 और 5 27, 2 11 33 और 2 35/7, 22/7 गुने में ये आ गया 4, 25 में से 9 गए 16, इससे कट गया 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 357.5/7 प्लस क्या आ जाएगा 22 चौके 88, 88/7 ऐड कर देंगे नीचे 7, 357.5 प्लस में 88 और बटे में 7 ऐड करो, 5 8 5 15 और 1, फिर 13 और 1 14, 1 44, इतना 7 काटो इसको, 6 7 42, 2 3 पे 7 21 और कितना बच जाएगा 4 4, उसको दिया, फिर 6 के 42, फिर बचेगा 3 चौके 2 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने पार्ट पे बच्चों ऑरेंज पेंट होगा, इतने पार्ट पे क्या, कौन सा पेंट होगा, ऑरेंज पेंट होगा। सॉरी बच्चों गलती हो गई, एक पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, अब फिर से करना पड़ेगा सारा, ये सारा फिर से करना पड़ेगा, मतलब आंसर तो ठीक है लेकिन फिर वही है जो बोले वही लो, 3.14, और इसका बड़ा आर क्या है, फिर बड़ा आर तो कितना है 5/2 और एल कितना 6.5, ठीक है, प्लस इसमें से पाई कॉमन ले लिया, बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर और ये 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 1.57 इंटू 5 से 5 25, 5 6 30 और 2 32 प्लस 3.14 और इसका कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 9/4, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक काम करें, मत काटो इसे, 3.14 इंटू 5/2, ठीक है, इसको इस यानी कि 5/2 को काट दो, 2.5, तो 3.14 इंटू 2.5 इंटू 6.5 ये था, ठीक, और इसको भी ऐसे ही कर दो, 3.14 कॉमन आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 25 5 125, रह गया 12, 25 25 के 150, ठीक है,
150 और 12, 25 125, 125 का 5 रह गया, 12 25 150, 162.2, यानी कि 16.25, ठीक है। और ये हो जाएगा 16/4, कट गया 4, तो ये 3.14 × 2, तो ये आ जाएगा 20.25, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हिस्सा बन जाएगा ऑरेंज पेंट का, इतना हिस्सा बन जाएगा किसका, ऑरेंज पेंट का। अब ये उतारो, फिर मैं तुम्हें येलो पेंट का कराता हूँ, ठीक है। इतना करो, फिर येलो पेंट का कराता हूँ। यहाँ तक नोट कर लो फटाफट, ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, 5/2 को 2.5, 3.14, 3.14 कॉमन, इन दोनों मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 कॉमन, 25 में हो गया 16/4, कट गया 4, ऐड हो गया ये, इतना मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो ये तो हो गया ऑरेंज पेंटेड, ठीक है, उतार लोगे ना ऑरेंज पेंटेड। अब आएगा येलो पेंटेड, ठीक है। सरफेस सरफेस एरिया ऑफ येलो पेंटेड पार्ट, येलो पेंटेड पार्ट तो क्या होगा भाई, पीले रंग वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, बस इतना ही लगेगा, ठीक है। मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का, और नीचे इसका ये पूरा बेस, ठीक है। तो बस हो गया भाई, 2π r, h बड़ा, 2π r² सॉरी, 2π r² क्यों, सिर्फ π r², तो पाई और आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2h प्लस में आर, तो 3.14, और आर कितना है, 3/2, यानी कि 1.5, और ये 1.5, तो 3.14 × 1.5, 40 प्लस में 1.5, तो 3.14 × 1.5, और ये कितना हो जाएगा, 41.5, ठीक है। अब तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तीनों के आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा पीले पेंट का। किसका आ जाएगा भाई, पीले पेंट का। तो इस तरीके से आंसर निकला बच्चों, पीले पेंट का ये, और आपके भाई येलो पेंट का ये निकल गया, और ऑरेंज पेंट का ये निकल गया, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आपके 13.1 कंप्लीटली खत्म हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन 13.2 के वॉल्यूम से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।